हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन सेशन लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे भी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। सेकंड है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। थर्ड है, पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। फोर्थ है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो हमारा सबसे जो आंसर हो जाएगा बेहतरीन हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि चित्र अमूर्त संकल्पना को समझाने में सहायता करते हैं, यही हमारा चित्र देने का उद्देश्य होता है पाठ्य पुस्तक में। जैसे कि सेकंड बोला जा रहा है कि हम चित्र क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते, ऐसा नहीं है। शोभा बढ़ाते हैं, थर्ड के अकॉर्डिंग, ऐसा भी नहीं है। प्रचलन देने का, चित्रों का प्रचलन देने का पाठ्य पुस्तक में चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि शुरू से चलते हैं, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है हमारा मेन ये होता है कि पाठ चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में हमारी सहायता करते हैं, यही सबसे बड़ा मेन उद्देश्य होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनना पढ़ना, सेकंड है सुनना बोलना, थर्ड है बोलना लिखना, फोर्थ है पढ़ना लिखना। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल के बारे में पूछा गया है। तो पहले हम कौशल बता देते हैं। कौशल हमारे चार होते हैं। पहला होता है सुनना, फिर होता है पढ़ना, बोलना और लिखना। ये हमारे चार कौशल होते हैं। अगर बात करते हैं अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं तभी आंसर हम दे पाएंगे। अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है हम खुद की स्वयं की अभिव्यक्ति कर सकें, कुछ बोल सकें, कुछ बता सकें, उन्हें बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो वो दो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, बोलना और लिखना, जो कि आंसर हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड वाला। बोलना और लिखना क्यों होते हैं कि कोई चीज़ हम किसी को कहेंगे या तो बोल के बोलते हैं या अभिव्यक्ति करेंगे, तो कैसे करेंगे, बोल के करेंगे, या फिर हम किसी पत्र के माध्यम से या किसी चिट्ठी के माध्यम से लिखकर बताएंगे उसे। तो ये क्या है, किसी लिखना क्या, ये भी हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इसलिए हमारे दो कौशल होते हैं, बोलना अभिव्यक्तात्मक कौशल। इसी से जुड़ा हुआ एक बताते हैं, घृणात्मक कौशल होते हैं हमारे सुनना और पढ़ना। हम सुनकर सीखते हैं, सुनकर क्या करते हैं, सीखते हैं दूसरों की भाषा, और पढ़कर भी सीखते हैं। यह होते हमारे घृणात्मक कौशल होते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकंड बारा, बोलना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों, और लाइक तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे यहीं पर बस मिसिंग कर जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत आंसर देते हैं, नहीं नहीं देखते, नहीं हमें देख के चलना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सेकंड है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, थर्ड है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, फोर्थ है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर छांटना है, यहाँ पे तीन पॉजिटिव आंसर दिए गए। तो जैसे फर्स्ट का अगर देखा जाए तो यहाँ पे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आंसर है। जो फर्स्ट क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, ये पॉजिटिविटी दर्शा रहा है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम सेकंड की बात करें, स्पष्टता एवं विश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी हमारा पॉजिटिविटी दर्शा रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम फोर्थ को देखते हैं, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, ये भी हमारा पॉजिटिविटी दर्शा रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, याद करना, कंठस्थ करना, रटन प्रणाली की तरफ जाते ही हमारा क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव दर्शाता है, इसलिए नेगेटिव आंसर होगा हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, इतनी मेहनत करके आते हैं, लाइक तो बनता ही है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सेकंड है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, थोड़े समय व अवधि पर, फोर्थ है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। बात की जा रही है या उपचार के शिक्षण के बारे में। उपचार का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखकर समझकर उसका उपचार करना। तो यहाँ पर हम उपचार कैसे करेंगे, जब तक हमें किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा,
या किसी समस्या के बारे में पता नहीं चलेगा तो हमसे उसका उपचार कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट एग्जाम्पल दोनों दिखा जाए कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक तो डॉक्टर को हमारी बीमारी के बारे में पता नहीं चलेगा तो हमारा उपचार कैसे करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि समस्याओं के कारण की सही पहचान करना ही उपचारात्मक शिक्षण का या सफलता पर निर्भर करती है। आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला, उपचार शिक्षण की सामग्री पर फर्स्ट आंसर नहीं है, भाषिक नियमों पर यह भी नहीं होगा, सेकंड और समय अवधि पर यह भी नहीं होगा। आंसर होगा सबसे बेहतरीन फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे दोस्तों। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सेकंड है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना जरूरी चाहिए। थर्ड है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। फोर्थ है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे भाषा के कौशलों के बारे में पूछा गया है और कौन सा कथन उचित है। तो यहाँ पे देखो नियमों के बारे में बात की गई है, जब भी नियमों के बारे में बात करते हैं रटन प्रणाली की तरफ जाते हैं, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एक वर्ड आया केवल, हम हर वीडियो में डिस्कस किया केवल हमारा नेगेटिवली दर्शाता है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में भी केवल आया हुआ है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इनमें केवल वर्ड आते ही क्या है, केवल मात्र एक ही मात्र भी कुछ ही इस प्रकार के ऑप्शन आते ही हमारे आंसर नहीं होते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इस प्रकार के ये मैं तीनों आंसर नहीं होंगे, आंसर बेहतरीन होगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था लिखना बोलना पढ़ना सीखना, ये हमारे चार कौशल होते हैं जो अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले। तो नेक्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषाशिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? क्वेश्चन पूछा है बहुसांस्कृतिक कक्षा है जिसमें आप टीचर हैं और किस बात को आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सेकंड है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना। थर्ड है बच्चों को व्याकरण सिखाना। फोर्थ है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो देखो आप शिक्षक के रूप में क्या करना होगा, आपको बच्चों को भाषा प्रयोग के सबसे अधिक अवसर देना ही बेहतर होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगर हम सेकंड में देखें पाठ्य पुस्तक को भली बात समझना, टीचर समझ लेगा बच्चों पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हमें बच्चों के रूप में देखना है। बच्चों को व्याकरण सिखाना ये रटन प्रणाली की तरफ जाता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, अगर हम सेल्फ की बात करें, हम टीचर की बात कर रहे हैं ना कि बच्चों की, हमें बच्चों से को देखना है ना कि टीचर को देखना है, क्यों वहाँ पे क्या टीचर वहाँ पे माहौल क्रिएट करेगा एनवायरमेंट क्रिएट करेगा कि वहाँ पे बच्चों को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध हों और बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएं। तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें, लाइक करते रहें साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन है प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सेकंड है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। थर्ड है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। फोर्थ है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तर भाषाई बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई महसूस या सामना क्यों करते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया। तो जैसे कि इसमें दिया गया सेकंड ऑप्शन में कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऐसा नहीं है। थर्ड में बोला गया कि उनमें अरुचि होती है, ऐसा भी नहीं है। कठिन भाषा है, ऐसा भी नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरी भाषा के लोग जब कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी भाषा सीखेंगे तो क्या होगा, उनकी भाषा में अंतर है तो हिंदी सीखने में क्या उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है, थोड़ा सा अंतर है संरचना में, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है वो हिंदी अरुचि है या सीख नहीं पाएंगे या हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा नहीं है। अगर सही अनुवाद किया जाएगा क्लास में तो बच्चे आराम से सीख जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा गया है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है मधुर वाणी,
सेकंड है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। थर्ड है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। फोर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बोलना कौशल के बारे में पूछा गया है, तो बोलना हमारा कौशल हो जाएगा तो बेहतरीन आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है बोलने के बारे में, तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहने की क्षमता रखना ही हमारा क्या है, बोलना कौशल कहलाता है। मधुर वाणी, इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, सही बात होने चाहिए, मगर हम बात कर रहे हैं हमारे शब्द स्पष्ट उच्चारण तो सही है मगर हम अपनी बात को सही से नहीं कह पा रहे, तो वो भी हमारा अच्छी तरह से नहीं होगा। अलंकारिक भाषा, ये हमारा उसकी तरफ जा रहा है व्याकरण की तरफ, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ही सबसे बेस्ट आंसर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे दोस्तों के साथ में। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? यहाँ पे ये एक प्रतिकूल जो वर्ड दिया है वो नेगेटिव क्वेश्चन दर्शा रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। आपको तीन पॉजिटिव ऑप्शन दिए, एक नेगेटिव छांटना आपको इसमें से। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाने में, सॉरी सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। सेकंड है बच्चे प्रवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। थर्ड है भाषा प्रवेश में रहकर अर्जित की जाती है। फोर्थ है प्रिंट समृद्धिक माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। देखो प्रिंट समृद्धिक माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये सही बात है, पॉजिटिव है। भाषा प्रवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही बात है, अपने समाज में रहकर या इन्वायरमेंट रहकर भाषा अर्जित की जाती है, सही बात है। बच्चे प्रवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हैं, सही बात है, जिस समाज में रहेंगे बच्चे उसी भाषा को ग्रहण करते हैं और अपने नियम बना सकते हैं, ये भी सही बात है। तो जो हमारा नेगेटिव दर्शा रहा है जो प्रतिकूल आंसर होगा वो क्या होगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ऐसा नहीं होगा, ये हमारा नेगेटिव आंसर है, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। कहानी सुनने से फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सेकंड है बच्चे प्रसन्न होते हैं। थर्ड बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। फोर्थ है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कहानी सुनने से बच्चों में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। तो जैसे कि बच्चे प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है, हम समझ नहीं थे कि बच्चे प्रसन्न हो रहे हैं कहानी सुनने से, हमारा ये सोच होती है पर ऐसा नहीं होता है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होते हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत बैठते ऐसा भी नहीं है, जो बच्चे उद्दंडी होंगे वो उधम मचाएंगे मचाएंगे, आप चाहे कैसी भी कहानी कह लो या बोल दो या पढ़ा दो बच्चों को, बच्चे अनुशासित रहते हैं ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट होंगे, हमारा बेहतरीन करेक्ट ऑप्शन होगा वो जगह हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास करना ही कहानी सुनने से होता है, क्योंकि उसमें क्या है काल्पनिक पात्र आते हैं कहानियों में, तो उससे क्या बच्चे सोचते हैं समझते हैं चिंतन करते हैं, तो सबसे बेहतरीन आंसर होगा बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, जिससे कि जो भी स्टूडेंट सीटेट पर चाहे तैयारी करें उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपकी वीडियो मिलती रहेंगी। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि बेहतर होगी। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। सेकंड है अपने अनुभवों को लिखना। फोर्थ है श्रुत लेख। थर्ड है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखो यहां पे फोर्थ बोला है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि बच्चे क्या है जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए उन्हें लिख देंगे आंसर उनके, तो ये क्या रटन प्रणाली की तरफ जाएगा। श्रुत लेख देखी हुई चीजों को लिखना। फर्स्ट में सुंदर लेख का अभ्यास, देखी हुई चीजों को लिख रहा है बच्चे यहां पे भी। फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्यों जाएगा क्योंकि यहां पे बच्चे के अपने अनुभवों को लिख रहे हैं, बच्चे के लिखन क्वेश्चन का हमें जो मूल्यांकन करना है क्या है वो अपने अनुभवों को लिखना ही सबसे बेस्ट तरीका हुआ, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है फर्स्ट ऑप्शन बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। सेकंड है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना। फोर्थ है
भाषा संसाधनों का अभाव। तो यहाँ एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती पूछी गई है, तो क्या होगी ये चीज पूछी है। तो वो हमारी हो सकती है या होगी फर्स्ट वाली, क्यों? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए हमें उचित रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि विविध विविध प्रकार के बच्चे होंगे क्लास के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें शिक्षण विधियां लानी होंगी बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होगी और प्रत्येक बच्चे को हमें सिखाना है क्लास के अंतर्गत, इसलिए हमें शिक्षण नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा क्लास में। यही सबसे बड़ा हमारा आंसर हो गया करेक्ट वाला। बाकी के आंसर क्यों नहीं होंगे देखते हैं। सेकंड में बोला भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता। भाषा सीखने से परिचित कराना ये ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। संसाधनों से मुक्त, हमें संसाधनों से मुक्त तो करना ही नहीं है, संसाधनों से क्या है लैस करना है, ये नेगेटिवली दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे जरूर चले जाएंगे क्योंकि आंसर मार देंगे थर्ड वाला, ऐसा नहीं होगा। मुक्त तो नहीं करना है, हमें लैस करना है, मतलब जोड़ना है उनसे। लैस का मतलब माइनस नहीं होता है, हमें जोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे अभाव दिया है, यह संसाधनों का हमें प्रयोग करना है, इसलिए ये आंसर हमारे नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में, और इतनी मेहनत करेंगे लाइक तो बनता है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक फर्स्ट ऑप्शन है अनावश्यक है, सेकंड है एकमात्र संसाधन है, थर्ड है संध्या है, फोर्थ है साधन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साधन, क्योंकि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होती है, साधन का कार्य करती है, ना तो अनावश्यक है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ना ही एकमात्र साधन है। एकमात्र हम नेगेटिव लेते हैं तो ये भी नहीं है, संध्या ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। क्वेश्चन पूछा गया गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन हमारा उचित होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। सेकंड है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। थर्ड है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। फोर्थ है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा उचित होगा, हमें उचित आंसर छांटना है। तो देखो गृह कार्य अत्यावश्यक है ऐसा नहीं है, ज्यादा जरूरी भी नहीं है क्वेश्चन के हमें गृह कार्य देना ही देना है। गृह कार्य बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें देना ही देना है, गृह कार्य देना अत्यावश्यक है ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, हाँ आजकल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं उनमें चल रहा है कि गृह कार्य मिलता है बच्चों को, पेरेंट्स करते रहते हैं, मगर आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। अगर फोर्थ में देखा जाए गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का एक अभ्यास मात्र है, तो मात्र आया हुआ यहाँ पे नेगेटिव दर्शा रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए हमारा आंसर सबसे बेहतरीन यही होगा सेकंड वाला। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो ये भी नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया, पेन से भी टिक हो रहा, असत्य क्वेश्चन कथन पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों पर निथार्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सेकंड है बच्चे समृद्ध भाषा प्रवेश में सहज व सुते रूप से भाषा में परमाजन कर लेंगे। थर्ड है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। फोर्थ है बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय से प्रचलित भाषा प्रवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ हमारा नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि सुधार के लिए टिप्पणियां करना निथार्थक, बच्चों से उत्पन्न करना अरुचि उत्पन्न, ये हमारा पॉजिटिव थी दर्शा रहा है। समृद्धिक भाषा ये भी हमारा पॉजिटिव दर्शा रहा है, और जटिल भाषा संरचनाओं का अभ्यास विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही बात है क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा सीख कर आता है। तो सबसे जो बेहतरीन आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बच्चों की संकल्पना और विद्यालय प्रचलित भाषा परवेश में विरोधाभास होता है, ये नेगेटिव दर्शा है, यहाँ पे विरोधाभास नहीं होता है, ये सहायक होती है, विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, ये हमारा सहायक होता है, इसलिए आंसर हमारा यही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है नेगेटिव में। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।